नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा GDS के बारे में। यहाँ पे जो है आपको पता होगा GDS के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं ऑनलाइन। यहाँ पे जो है काफ़ी कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। कई लोगों ने अभी भी इसमें फॉर्म फिलअप नहीं किया था। मैंने फुल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कई लोगों ने फॉर्म भरते टाइम गलतियाँ कर दी है। अब वो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं यहाँ पे कि कब यहाँ पे करेक्शंस होंगे, क्या क्या करेक्शंस कर सकते हैं, क्या नेम में करेक्शंस हो सकता है, फादर नेम में करेक्शंस कर सकते हैं, हमारे मार्क्स गलत डल गए हैं क्या वो करेक्शंस कर सकते हैं, किसी ने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी है तो किसी ने नंबर गलत डाल दिया है, और कहीं ने यहाँ पे जो पोस्ट प्रेफरेंस रहता है जिससे आपका सिलेक्शन होता है वही गलत डाल दिया है। तो क्या क्या करेक्शंस कर पाएंगे आप लोग वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा किस तरीके से करेक्शंस करना है, क्या यहाँ पे जो है गलतियाँ हुई हैं। एक कैंडिडेट ने मुझे यहाँ पे जो है अपना PDF भी सेंड किया, वो भी मैं आपको बताऊँगा उनने क्या गलतियाँ कर दी थी OBC के वो यहाँ पे जो है कैंडिडेट से। ठीक है, तो पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा फॉर्म एडिट कैसे करना है, करेक्शंस कैसे करना है, कब से करेक्शंस कर पाएंगे। चलते हैं सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, सारी चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी जॉब अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो। जितने भी यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है सबके नोटिफिकेशन यहाँ पर मैं लेकर आता रहता हूँ और किस तरीके से अप्लाई करना है वो वीडियो में समझा देता हूँ। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ से जो है आप लास्ट डेट देख पाएंगे 5/8/2024 है। तो जिन लोगों ने अभी भी फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वेबसाइट काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। पोस्ट यहाँ पे आप देख पाएंगे, ठीक है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे जो है पोस्ट है, ज़रूर आप अप्लाई कीजिएगा अगर आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं तो। अब यहाँ पे जो है पहले हम लोग यहाँ पे जो है एक पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक स्क्रीनशॉट है, ठीक है, यहाँ पे जो है पोस्ट कहाँ की थी, तो यहाँ पर जो है इन लोगों ने MP से फॉर्म को अप्लाई किया था। अब यहाँ पर जो है ये OBC के कैंडिडेट से, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इनने यहाँ पे जो है CO डिवीज़न सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे जो है आप लोग को पोस्ट प्रेफरेंस डालने के लिए यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिलती है, जिसमें UR के लिए यहाँ पे अगर ये अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो है इनको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा क्योंकि OBC के कैंडिडेट से, ठीक है। अब यहाँ पे UR की ही सिर्फ पोस्ट हैं ये आप देख सकते हैं। तो इनने यहाँ पे आगे तक पूरा इस तरीके से डिटेल्स देखा जिसमें इनों को यहाँ पे जो है सिर्फ UR की ही इस तरीके से पोस्ट मिली। तो यहाँ पर जो है आप लोग को अलग अलग डिवीज़न खोल के देखना है और जिसमें ज़्यादा पोस्ट हों आपकी कैटेगरी की उसके लिए अप्लाई करना है। फिर यहाँ पर जो है इनने यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे जो है सागर में जब इनने डिवीज़न सेलेक्ट किया तो OBC की यहाँ पे जो है प्रेफरेंस दिया। जैसे यहाँ पे जो है आप देख पाएंगे यहाँ पे BBM के लिए 12,000 सैलरी है, पोस्ट प्रेफरेंस इनने OBC पोस्ट के लिए 1 दिया है। OBC पोस्ट के लिए यहाँ पे जो सेकंड प्रेफरेंस दिया है इनने, ठीक है, BPM के लिए, उसका सैलरी इसकी 12,000 है, ठीक है, इस पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे जो है आप देखेंगे APB के लिए यहाँ पे इन्हें अप्लाई किया, 10,000 सैलरी है, OBC वाली पोस्ट है, इनने यहाँ पे थर्ड प्रेफरेंस दिया है। तो ये तरीका बिल्कुल सही रहता है अप्लाई करने का, पोस्ट प्रेफरेंस डालने का। अब यहाँ पे जो है अगर आप UR को डाल देते हैं और UR के आप है ही नहीं तो फिर आपको कैसे पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे जो है सही मिलेगा। तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस बिल्कुल सही डालना है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो सागर डिवीजन से इन्हें अप्लाई किया था और यहाँ पे OBC की ज़्यादा पोस्टें थी तो इस अकॉर्डिंग इन्हें अप्लाई किया, तो ये तरीका बिल्कुल सही है। अब कई लोग यहाँ पे जो SC ST वाले हैं तो वो लोग भी यहाँ पे जो है पोस्ट प्रेफरेंस देखिएगा, जहाँ पे SC की ज़्यादा पोस्ट हैं, ST की ज़्यादा पोस्ट हैं आपके डिवीज़न में, वही आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि होशंगाबाद में आप चेकआउट कर सकते हैं, MP की मैं बात करूँ जिसमें होशंगाबाद, भोपाल अगर आप देखें तो वहाँ पे ज़्यादा पोस्ट होंगी, बैतूल हो गया, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग आपको यहाँ पे जो है डिवीज़न देखने को मिल जाएंगे। तो उस अकॉर्डिंग ही आपको आपका पोस्ट प्रेफरेंस डालना है, चाहे आप यहाँ पे UR कैंडिडेट्स के हो, OBC के हो, SC के हो, ST के हो। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस की यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा। सेकेंड यहाँ पे अब मैं चीज़ आपको बता देता हूँ फॉर्म करेक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप चलेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे जो आप फॉर्म करेक्शंस के लिए डिटेल्स देख सकते हैं। एडिट करेक्शन विंडो 5 तारीख को लास्ट डेट है, 6 तारीख से फॉर्म करेक्शंस के लिए फॉर्म यहाँ पे जो है आप एडिट कर पाएंगे, जो कि आपको 6 से 8 2 दिन यहाँ पे दिए जाएंगे, जिसमें आप क्या क्या करेक्शंस कर सकते हैं वो यहाँ पे हम देखते हैं क्या बताया हुआ है। सर्विस कंडीशन एज जॉब प्रोफाइल अंडर रजिस्ट्रेशन एकोमोडेशन, इसमें यहाँ पे जो है करेक्शन की अगर आप बात करें तो कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। हम यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें सर्च भी कर लेते हैं क्या आप यहाँ पे जो है करेक्शन के बारे में कुछ बताया भी है कि नहीं। करेक्शन विंडो करेक्ट हुआ नेम ऑर्डर डेट मार्क्स चॉइस फिलिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब क्या क्या करेक्शंस कर सकते हैं। आफ्टर क्लोजिंग डेट सबमिशन, जब इसकी डेट क्लोज हो जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, 3 डेज विंडो किप द मॉडिफिकेशन, 3 दिन आपको दिए जाते हैं फॉर्म एडिट करने के लिए। द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग करेक्शन विंडो, इसका मेन पर्पज़ यहाँ पे ये यह रहेगा कि अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप उसको सुधार कर पाएँ। जैसे कि आप देख सकते हैं करेक्ट द नेम ऑर्डर डेट
ठीक है, मार्क्स अगर आपका यहाँ पे जो है डाटा जो भी आपका गलत है, जैसे मार्क्स आपने गलत भर दिए तो आप करेक्शन कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग के लिए भी यहाँ पे जो है आप इसमें एडिट कर पाएंगे ड्यूरिंग द 3 डेज विंडो टू द मॉडिफिकेशन इनबॉक्स। अब यहाँ पे बोला क्या हुआ है, रिक्वायरिंग द फीस पेड सच एज अ मॉडिफिकेशन अलाउ ओनली द कैंडिडेट डिपॉजिट फीस, जो लोग पैसे यहाँ पे फिलअप कर चुके हैं जिनकी पेमेंट हो चुकी है वो इसमें करेक्शन कर पाएंगे। अप टू मॉडिफिकेशन द प्रीवियस ऑनलाइन एप्लीकेशन कुड बी ट्रीटेड नल एंड अवॉइड द मेरिट कुड बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द डिटेल्स मेंशन अबाउट द मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन। तो ये यहाँ पे जो है आप क्लियर कर सकते हैं, ये सीधे इनने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है, ये चीज़ को आपका ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट नोट्स में भी अगर आप देखें तो ये बताया गया है द कैंडिडेट शुड बी हैज़ बिन डिसमिस रिजल्ट कंपलसरी रिटायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज, इसकी डिटेल्स दी गई हुई है। और यहाँ पे बोला गया हुआ है एनेक्सर के डिटेल्स दी गई हुई है जो कि यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं अंडरटेकिंग के बारे में, ठीक है। GDS 2 के लिए उसका नोट 2 नोट 3 नोट 5 इस तरीके से डिटेल्स यहाँ पर दी गई हुई है। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी है। करेक्शंस के लिए 3 दिन आपको दिए जाएंगे, ठीक है, 6, 7, 8 आप यहाँ पे करेक्शंस कर पाएंगे। जैसे ही इसके फॉर्म भरने की जो डेट है वो क्लोज होगी फिर करेक्शन की विंडो ओपन होगी। अब करेक्शंस के लिए क्या क्या यहाँ पे जो है आप लोग को यहाँ पे जो है कर लेना है करेक्शन, मैं आपको बता देता हूँ एक कैंडिडेट से जिनने क्या गलती की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथामेटिक में यहाँ पे जो है इस तरीके से ग्रेड पॉइंट डाले थे, ठीक है। अब यहाँ पे साइंस में इनको C2 मिला था, इनने C1 डाल दिया है। अब यहाँ पे ये करेक्शंस कर पाएंगे अगर यहाँ पर जो ये फॉर्म फिलअप जब इसकी डेट कंप्लीट हो जाएगी फिर यहाँ पे जो ये एडिट करेंगे फॉर्म को और अपने जो मार्क्स है उसमें करेक्शंस करेंगे और फिर यहाँ पे फाइनली ये सेव कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे करेक्शंस कर सकते हैं। CBSE अगर आप हैं तो आपको ये गलती नहीं करनी है। और अगर आप किसी भी बोर्ड से आपने अप्लाई किया है MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, अगर आपने यहाँ पे UP बोर्ड, तो आपको मार्क्स डालने रहते हैं जैसे 66, 77 जो भी आपके मार्क्स आए आपके सब्जेक्ट्स में, तो उसमें आपको गलती नहीं करनी है। कोई गलती हो जाती है तो बाद में आप करेक्शंस कर पाएंगे। अब आप आपके पर्सनल अगर नेम है जैसे आपका खुद का, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं है तो भी आपको दिक्कत होगी डॉक्यूमेंट वेरिएशन के टाइम पर। तो 10वीं की जो मार्कशीट में वही आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, वही आपको अपना नाम देना है, आपका फादर नेम, मदर नेम, वो सारी चीज़ें आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग देनी है। तो ये आप इसमें करेक्शंस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो आपको ये जो डिटेल्स है वो आपको फर्स्ट टाइम में ही सही से डालनी है। अब ईमेल अगर आपसे गलत डल गया है तो OTP यहाँ पर जो है उस गलत ईमेल पर आएगा तो आपको नई रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो आपको जो ईमेल है वो भी सही डालना है और मोबाइल नंबर सही डालना है जिससे OTP यहाँ पर सही टाइम पर आपके पास आ सके। नेक्स्ट स्क्रॉल करेंगे एक डिटेल्स और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ जिसमें पोस्ट की डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट में इनने क्या गलती की थी, ठीक है। यहाँ पे जो है क्यों यह रिजेक्ट हो गए थे यहाँ पे जो है प्रीवियस में, तो आप देख सकेंगे अब इनने OBC से फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है। अब यहाँ पे इनने यहाँ पे जो है फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया, सेकंड UR को दे दिया, फिर UR को दे दिया, फिर यहाँ पे UR, फिर UR, UR, तो यहाँ पे पोस्ट ही नहीं थी और इन्होंने यहाँ पर जो UR की पोस्ट थी उन्हीं को ही यहाँ पे जो है ये सिलेक्ट कर दिया जिससे इनने गलत पोस्ट रेफरेंस दिया और जिस कारण इनका लिस्ट में नाम नहीं आया, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब कई लोग बोल रहे हैं 80-70 वालों का भी सिलेक्शन होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनके 85 प्लस हैं उनका यहाँ पर ज़रूर सिलेक्शन होगा। और अगर आप बात करें UP, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो ऐसे स्टेट्स का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, 90 प्लस आप समझें इतना कट ऑफ जाता है। UR, OBC, SC ST की बात करें तो 85 प्लस यहाँ पे जो है कट ऑफ रहता है। तो अगर आपके 85 प्लस है, 80 हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 60-50 वाले यहाँ पे जो कह रहे हैं कि हम अप्लाई करें तो हमारा सिलेक्शन होगा, तो आपके यहाँ पे जो चांसेस है वो काफ़ी कम है। मैं आपको यहाँ पे धोखे में नहीं रखना चाहता, जो क्लियर है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है 2023 की कि कितने पे सिलेक्शन हुआ है, चाहे वो SC वाला हो, SC वाला हो, OBC वाला हो, जनरल वाला हो, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं कितना कट ऑफ रहा था। कट ऑफ 90 के ऊपर ही रहा था। तो सेम इज इट इज़ इतना ही आपको इस बार भी कट ऑफ देखने को मिलेगा। जैसे ही इसकी विंडो यहाँ पे क्लोज होगी फिर फॉर्म करेक्शंस होंगे और फिर यहाँ पे लिस्ट आना स्टार्ट होगा। तो मेरिट लिस्ट आएगी, चीज़ें क्लियर होंगी, कितने पे सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट लिस्ट कितने पे गई है, किन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाना है, किन लोगों के पास मैसेज गया है GDS के साइट से, वो सारी चीज़ यहाँ पे जो है क्लियर हो जाएगी। तो मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालना है, कब से फॉर्म करेक्शंस होना स्टार्ट होंगे, कौन लोग फॉर्म करेक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग फीस पेमेंट कर चुके हैं, सारी चीज़ कंप्लीट हो गई है, वही यहाँ पे करेक्शंस कर पाएंगे। तो फीस ज़रूर आप पेड कर दीजिएगा जो आपकी फीस लग रही है। और यहाँ पे जैसे ही इसकी विंडो स्टार्ट होगी तो मैं इसमें फुल वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करेक्शंस करना है बिना गलती के, क्योंकि एक मौका आपको दिया जाएगा करेक्शंस। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप सुधार कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे कोई भी आपको करेक्शंस नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 2 दिन के लिए ही यहाँ पे जो विंडो है वो ओपन की जाएगी करेक्शंस के लिए।
ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, सारी चीज़ मैंने बताई है। कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो ईमेल आईडी दिया है, आप उस पर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, मैं उसका जो है जवाब आपको दे दूँगा। बाकी GDS के साइड में कोई नई अपडेट आएगी या कुछ पता चलेगा तो आपको यहाँ पर अपडेट दे दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैंने आपको सारी चीज़ क्लियर कर दी है, ठीक है। अब भी अगर आपको कोई डाउट्स है, ठीक है, तो आप मुझसे पर्सनली यहाँ पे जो कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।